जी क्षय रोग है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसको भी इस तरह की जो तपेदिक आदि रोग हैं उसमें आप जो एलोपैथिक का कोर्स होता है उसको आप जरूर कराइए, उसमें आप लापरवाही ना करें, परंतु उसके साथ में आप नियमित रूप से प्राणायाम करें। प्राणायाम में 5 मिनट भस्त्रिका और कम से कम 15-20 मिनट कपालभाति और 20 मिनट लगभग अनुलोम विलोम, थोड़ी देर के लिए भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम आप नियमित रूप से करिए। उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा, रिकवरी भी जल्दी होगी और मेडिसिन की वजह से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी नहीं आएंगे। और औषधि के रूप में आप गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी और लक्ष्मी विलास रस, ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। ये 3 गोलियों को सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय आप लेते रहिए और गिलोय का काढ़ा बना करके आप जरूर पिए। गिलोय का काढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और बहुत जिन जड़ी बूटियों पर रिसर्च हुआ है उन जड़ी बूटियों में से एक यह बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है कि जो आपके जितने भी तरह के इस तरह की इन्फेक्शन वाले जो डिजीज़ हैं उनको ख़त्म करने में उसका बहुत ही अद्भुत उसका योगदान है। उसके अंदर आप तुलसी की पत्तियाँ भी और नीम की पत्तियाँ और मिला करके आप इसका प्रयोग करें।